वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट चैप्टर में समवेयर आई टोल्ड यू कि फिजिक्स के लिए मैथ्स मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का जो जो बेसिक लगने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के, ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगा लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्कूल से आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां लगेगा हम तब कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के बाकी जो कुछ भी हमको, व्हाट एवर वी विल नीड वी विल लर्न इन दिस चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 2। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड्स। इसका एक्चुअल पूरा नाम है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स। तो मैथमेटिकल मेथड्स या फिर मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स। इस चैप्टर के दो पार्ट्स है। चैप्टर नंबर 2 इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट का नाम है वेक्टर एनालिसिस या फिर वेक्टर अलजेब्रा। तो इट डील्स विद वेक्टर्स के, वेक्टर्स क्या है हम थोड़ी देर से आज ही डिफाइन करने वाले हैं। तो वन पार्ट इज रिलेटेड टू वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस। दूसरा पार्ट इज कैलकुलस। अब ये कैलकुलस क्या होता है, ये कैलकुलस हम डिटेल में बाद में देखेंगे। कैलकुलस के भी दो पार्ट है। कैलकुलस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है इंटीग्रल कैलकुलस और एक है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, ये हम बाद में सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दिस चैप्टर इन टोटल, इसके दो पार्ट्स, कौन कौन सा, वेक्टर्स मतलब वेक्टर एनालिसिस, दूसरा कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट्स, एक है इंटीग्रेशन, एक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो डेरिवेटिव्स भी बोलते हो, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। वी विल सी लेटर इन डिटेल, बाद में हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, राइट। तो अब आज से हम पहला पार्ट चालू करेंगे विच इज वेक्टर्स। वेक्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या डिफाइन किया था। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो जो भी, जो कुछ भी आप मेजर कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इन चैप्टर नंबर 1 हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो दो क्लासेस में डिवाइड किया था, दो कैटेगरी किए थे। एक कैटेगरी था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, एंड इफ यू रिमेम्बर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। एग्जाम्पल लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ मतलब दो पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको कुछ और मेजर करने की जरूरत नहीं है। टाइम के लिए भी सेम है, टाइम हमको मेजर करना है तो हमको लेंथ या फिर मास की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ये अलग चीज है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ मेजर करना है तो स्केल लगेगा, टाइम मेजर करना है तो क्लॉक लगेगा, राइट। अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर चाहिए, करंट मेजर करना है तो एमीटर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। देन हमने ये भी देखा था फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज डिराइव्ड। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तब जाके स्पीड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। गुड। देन अब पहले चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया था, क्लासेस किए थे, कैटेगरी किए थे, फंडामेंटल एंड डिराइव। अब एक स्टेप आगे जाके ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव क्वांटिटी है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी, बी इट फंडामेंटल क्वांटिटी और बी इट डिराइव क्वांटिटी, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो। इसके हम और दो कैटेगरी कर सकते हैं, उसमें से एक को हम बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं वेक्टर।
अब ये स्केलर क्या है, ये वेक्टर क्या है, हम देखेंगे, इन डिटेल देखना है हमको, राइट। तो वी कैन कैटेगराइज इन टू स्केलर्स, या तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या फिर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इन शॉर्ट, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हो स्केलर्स, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हो वेक्टर्स, करेक्ट, राइट। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। तो याद रखना, यू नीड टू रिमेंबर। तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 में हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया था किसमें, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड में। अब फंडामेंटल और डिराइव को वापस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, एक को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। गुड। तो ओवरऑल पहले पिक्चर क्लियर रखो कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है। तो मैथमेटिकल मेथड्स क्यों सीखना है, क्योंकि अगर आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आता तो फिजिक्स नहीं हो पाएगा। फिजिक्स के लिए यू नीड बेसिक्स ऑफ मैथ। तो मैथमेटिक्स में हमको सबसे ज्यादा जो लगेगा वो है वेक्टर्स एंड कैलकुलस। इससे इसके अलावा जो लगेगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री आप स्कूल लेवल तक सीखते हो, दैट इज वाई इस चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है वेक्टर्स। उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस में दो पार्ट है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये बाद में देखेंगे। अब फिलहाल हमारा फोकस होगा वेक्टर्स पे। अब ये वेक्टर्स क्या है ये समझने से पहले हमने पहले चैप्टर में, 11th के पहले चैप्टर में क्या क्या किया। हमने पहले चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया था, क्लासिफाई किया था एज फंडामेंटल और डिराइव। अब चाहे वो क्वांटिटी फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, इसका फर्दर ग्रुप हो सकता है, स्केलर एंड वेक्टर। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड एज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, बी इट फंडामेंटल, बी इट फंडामेंटल और डिराइव्ड, कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1, वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज स्केलर। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है पहले वो अच्छे से समझ लेंगे। इसको हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, या इन शॉर्ट इसको बोलते हैं स्केलर, और इन शॉर्ट इसको कॉल्ड एज स्केलर। तो फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन बाद में करूंगा, डेफिनेशन बाद में आता है, पहले बेसिक इसका आइडिया क्या समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी। इफ आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 5 मीटर हो सकता है 10 मीटर हो सकता है 15 सेंटीमीटर हो। तो अगर मुझे दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बताना है तो मुझे इस फिजिकल क्वांटिटी का, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस आपने मेजर किया, और बाय डेफिनेशन जो कुछ भी मेजर करते हो वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट। तो मुझे अगर इस फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, रिमेंबर दिस वर्ड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उस फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, तो मुझे सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, 5, और उसके साथ एक यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर, राइट, करेक्ट। हमको यहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इफ यू नीड ओनली अ नंबर टू डिस्क्राइब अ क्वांटिटी कंप्लीटली, देन सच अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, राइट, करेक्ट। तो डिफाइन कैसे करोगे, बाय द वे ये जो नंबर है इसको नंबर नहीं बोलते हम, इसको नंबर क्यों नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड, करेक्ट, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि आप इसको मेजर कर रहे हो। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय बाय मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट तो लगेगा ही, यूनिट तो वेक्टर में भी लगेगा, क्योंकि यूनिट क्या बताता है, कि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, कि टाइम की बात कर रहे हो, कि मास की बात कर रहे हो, या फिर किसी और चीज की बात कर रहे हो, तो यूनिट तो हमेशा रहेगा ही। बट इन दिस केस
वी नीड ओनली अ नंबर एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी के पूरे इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा हमको इंफॉर्मेशन मिल गया। तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन, बाय मैग्नीट्यूड अलोन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद के भी बना के लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय अ नंबर, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, एंड अ यूनिट, यूनिट मतलब स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मतलब दो पॉइंट में डिस्टेंस सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है या मिलीमीटर में है या फिर मीटर में है। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पहले तो लिख देता हूं, अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय बाय अ नंबर, नंबर मतलब कौन, मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट, यूनिट तो सब किसके साथ रहेगा, तो यूनिट ऐसा नहीं है कि यूनिट सिर्फ स्केलर में है, वो वेक्टर में भी रहेगा, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय अ नंबर, नंबर को क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड। अब एग्जाम्पल दे देना, आपको जितना लगे उतना एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, तो मैं दो तीन एग्जाम्पल लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। लाइक मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 मीटर, एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल 100 किलोमीटर, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। और बाकी कौन से एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी के, कैन यू टेल मी व्हाट आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी? कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ऐसे कौन कौन से क्वांटिटीज है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ नंबर की, मैग्नीट्यूड की जरूरत है? कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज है? 30 सेकेंड मतलब टाइम, जैसे डिस्टेंस है वैसे ही टाइम। तो डिस्टेंस ये स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट मत लिख देना, डिस्टेंस, देन टाइम, देन मास, लेंथ मतलब डिस्टेंस ही है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी स्केलर है, कभी सुना है क्या टेम्परेचर? आपने कभी सुना है कि टेम्परेचर डायरेक्शन भी बता रहे हैं हम लोग? नहीं, करेक्ट। करंट, करंट भी स्केलर है, गुड। तो डिस्टेंस, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या है, स्केलर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी क्या है, स्केलर है, गुड। यहाँ तक क्लियर? तो ओवरऑल सिर्फ इतना ही है यहाँ पे। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन। एक नंबर बता दिया, बात खत्म, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हो ना, डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू नासिक 150 किलोमीटर, हियर टू मुंबई 310, 310 किलोमीटर। तो आपने सिर्फ बोला 150 और 310, मतलब पूरा रफ आइडिया आ गया। मुंबई यहाँ से नासिक के कंपेरिजन में डबल डिस्टेंस पे है, राइट। तो व्हेन आई जस्ट से, फॉर एग्जांपल, दिस क्लास, ये जो क्लास है ये नॉर्मली होता है 60 मिनट्स का, हो गया पूरा इन्फॉर्मेशन।
मतलब ये जब चालू होगा तब से पूरे 60 मिनट के बाद खत्म होगा, करेक्ट? राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ रिमोट इन माई हैंड, द मास ऑफ दिस रिमोट इज 200 ग्राम. तो मुझे इसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया, इसका मास कितना है, 200 ग्राम, राइट. देन दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होता है वेक्टर. तो पहला टाइप का स्केलर, जिसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की जरूरत है. सेकेंड टाइप इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, या फिर इसको इन शॉर्ट बोलते हैं वेक्टर, जस्ट वेक्टर. तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा, और फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोन, यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो मैंने आपको एक बार बताया था कि आप जब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के ऊपर एक मीटर होता है जो आपको बताता है कि आपकी गाड़ी का स्पीड कितना है, उसको क्या बोलते हो, स्पीडोमीटर है. उसको कभी वेलोसिटी मीटर नहीं बोलते, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन नहीं बताता. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा एक मीटर बनाया जिसमें हमको पता लग रहा है स्पीड कितना है, साथ में डायरेक्शन भी पता लग रहा है. हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर उसमें मैग्नेटिक कंपास डाल दिया, पता है ना कंपास क्या होता है, व्हाट इज कंपास, विच गिव यू डायरेक्शन. तो एग्जाम्पल, मैंने गाड़ी का मीटर उठाया, उसमें एक कंपास भी फिट कर दिया, तो मुझे अब दो चीजें पता लगेगी, एक स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा डायरेक्शन. तो इसको मैं अभी क्या बोलूंगा, वेलोसिटी मीटर. तो स्पीड इज जस्ट अ नंबर कि मेरी गाड़ी का स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन वेलोसिटी जब यूज करते हो ना, तो इसके आगे, सेकेंड चैप्टर के आगे, स्पीड और वेलोसिटी थोड़ा संभाल के यूज करना, क्योंकि जब आप स्पीड बोल रहे हो तो आप डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हो, जब आप वेलोसिटी बोल रहे हो तो आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, मतलब स्केलर तो बताना ही पड़ेगा, एडिशनली क्या बताओगे, डायरेक्शन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने पहले बोला डिस्टेंस ऑफ नासिक फ्रॉम हियर इज 150 किलोमीटर, राइट. अब मैं बोलता हूँ द डिस्टेंस ऑफ नासिक फ्रॉम हियर इज 150 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगा दिया तो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट. स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दिया तो क्या बन गया, वेलोसिटी. गुड. तो डिफाइन कैसे करोगे, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ 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 कौन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ के. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, मुझे अगर सिर्फ डिस्टेंस बताना होता दो पॉइंट्स में, ए एंड बी, तो मैं बोल देता डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लेट अस से इसको डिनोट करेंगे एक्स, इसको बोल देंगे 10 सेंटीमीटर, राइट. करेक्ट. अगर मुझे ये बताना है, मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताना है कि ए से बी में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है अलोंग ईस्ट, राइट. तो लिखेंगे कैसे हम, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं एक्स यूज करता हूँ, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. पहले भी क्या बोला, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो हमको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा वेक्टर, कौन सा स्केलर. यहाँ पे क्या बोला, डिस्टेंस, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई किया, मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 10 सेंटीमीटर, मतलब एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज 10 सेंटीमीटर,
डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मतलब x इक्वल टू 10, डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर मतलब x इक्वल टू 10। तो समझ में कैसे आएगा कौन सा डिस्टेंस कौन सा डिस्प्लेसमेंट? तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो वेक्टर को डिनोट करने के तरीके हैं, एक तो x के ऊपर एरोहेड डाल दो या फिर x के ऊपर बार लिख दो या फिर जो आपके टेक्स्ट बुक का नोटेशन है, टेक्स्ट बुक के नोटेशन में हम क्या करते हैं वो बोल्ड लेटर यूज करते हैं, वो ना बार लिखेंगे ना वो एरो डालेंगे, वो क्या करेंगे बोल्ड लिखेंगे। तो जो बोल्ड लेटर है दे बेसिकली डिनोट वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर राइट? अब हम मैं और आगे बताऊंगा डिटेल में, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन करते जाना राइट। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने बताया अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल एग्जांपल x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर राइट। सिमिलरली अ वेक्टर कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब, अ वेक्टर कैन बी लिखा है उसी को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय अ नंबर, नंबर मतलब कौन मैग्नीट्यूड, बाय अ नंबर अ डायरेक्शन एंड अ यूनिट, और डायरेक्शन एंड अ यूनिट। यूनिट नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड है कि फिजिकल क्वांटिटी किसी भी टाइप का हो उसका यूनिट तो आने ही वाला है। लेंथ होगा तो मीटर आएगा, वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकंड आएगा, एक्सीलरेशन होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, फोर्स होगा तो न्यूटन आएगा, एनर्जी होगा तो जूल आएगा, मोमेंटम होगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, करेक्ट राइट? तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, यूनिट नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज गोइंग टू बी देयर। यहाँ तक क्लियर? तो जस्ट टू नो कि समझा है कि नहीं, स्केलर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसको क्या बोलते हो वेक्टर, करेक्ट? एंड क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि स्केलर और वेक्टर दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो नोटेशन चेंज करना पड़ेगा, तो हम पहले देखेंगे कि वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे। इसके दो नोटेशन है, एक है डायग्रामेटिक नोटेशन, एक है सिंबॉलिक नोटेशन। तो डायग्राम ड्रॉ करके भी बता सकते हो या फिर उसका सिंबल भी लिख सकते हो। तो टू डिनोट या टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? ये क्या है लाइन, इसके ऊपर एरो डाल दिया तो क्या बन गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सिंपल। अब ऐसा क्यों यूज करते ये भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज एक ऑब्जेक्ट पहले पी पॉइंट पे था, अब वो पी से क्यू गया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? करेक्ट। तो मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा इसको पी क्यू बार। कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां खत्म हुआ, तो क्या लिखा पी क्यू बार। उल्टा होता, क्यू से स्टार्ट होता और पी तक आता, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को करते उल्टा, मतलब जो एरो हेड है वो उल्टी डायरेक्शन में होता और लिखते कैसे क्यू पी बार, राइट? तो ये पहला चेंज, दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट यू विल हैव, क्योंकि जब आप डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हो, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं डिस्टेंस स्पेसिफाई करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज पी क्यू, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज क्यू पी। तो स्केलर में कोई फर्क नहीं पड़ता पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, एक ही चीज है वो। पी से क्यू डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो Q से P भी 5 ही मीटर है, राइट? लेकिन डिस्प्लेसमेंट P टू Q अगर ये ईस्ट है तो Q से P ये वेस्ट है, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस।
तो जब हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और तो रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में दो चीजें हैं, एक है लेंथ, दूसरा है एरो। सिर्फ लाइन बोला होता तो लाइन था, फिर डायरेक्शन था क्या यहाँ पे? नहीं, करेक्ट राइट। लेकिन मैं जब बोलता हूँ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास दो चीजें हैं, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और दूसरा एरो हेड मतलब डायरेक्शन। तो मैंने बताया था, क्या बताया था, वेक्टर के पास दो चीजें हैं, कौन कौन? वेरी गुड। अब मैग्नीट्यूड कौन बता रहा है फिर? द लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट गिव मैग्नीट्यूड। थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे। सपोज ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, सपोज ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है। अब ऐसा है Q और R दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन Q पॉइंट थोड़ा पास में है और R पॉइंट थोड़ा दूर है, करेक्ट। मुझे बताना था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हमको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताना था कि P एंड Q दे आर इन सेम डायरेक्शन, सॉरी Q एंड R दे आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। दोनों के दोनों कहाँ पे है? ईस्ट में। होता है ना कभी कभी, तो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, छोड़ो थ्योरी होता रहेगा बाद में, पूरा ध्यान यहाँ पे दो, इजी है। फॉर एग्जांपल आप रोड पे खड़े हो, मे बी वेटिंग फॉर समवन, फिर कोई एक आया, उसने बोला कि अरे मुझे सिविल हॉस्पिटल जाना है, एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑन साकरी रोड। मैंने उसको बोला चले जाओ वेस्ट में, 2 किलोमीटर पे मिल जाएगा। फिर किसी ने पूछा, वापस कोई आया, पोस्ट ऑफिस जाना है। सिविल हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस सेम डायरेक्शन में है, मैं उसको बोलूँगा जाओ 4 किलोमीटर वेस्ट में, तो डायरेक्शन क्या था? सेम। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, मतलब दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। पर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो मुझे एक का मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। तो जब आपके पास दो वेक्टर्स है सेम डायरेक्शन में, तो आप डायरेक्शन तो सेम दिखाते हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग दिखाते हो। तो दैट इज वाई रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते वक्त हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यूज ही इसके लिए करते हैं। अगर मैं बड़ा लेंथ दिखा रहा हूं, मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल तो आप रियल लाइफ के ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्लास छूटेगा, सब कोई अपने अपने घर पे जाएगा, जिनका दूसरा क्लास नहीं है वो छोड़ के। दो दोस्त है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, एक रहता है 3 किलोमीटर पे, दूसरा रहता है 5 किलोमीटर पे। फिर क्या होगा? चल साथ में चलते हैं, मेरा घर आएगा मैं रुक जाऊंगा, तो आगे चले जाना, राइट। तो वन वेक्टर आई विल ड्रॉ विथ लेंथ 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर का तो लेंथ दिखा नहीं सकते ना, कैसे दिखाऊंगे? तो क्या करोगे आप, एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, फिर लिख दोगे इसके ऊपर 3 किलोमीटर। अब लॉजिकली ये क्लियर हो गया कि इसका लेंथ अगर मैं 3 किलोमीटर बोल रहा हूं तो ये ज्यादा ही आएगा, और लॉजिकली ये भी क्लियर हो गया कि अगर मैं स्मॉल दिखा रहा हूं तो ये 3 से छोटा है। तो जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं, मैं वापस आऊंगा इस पे, लेकिन पहले बेसिक्स। तो रिप्रेजेंटेशन हम क्या यूज करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैं बार बार मैग्नीट्यूड वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, मैं लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है लेंथ है, लेकिन लेंथ कब तक चलेगा? जब तक आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ इन अ गिवन डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही मैंने बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट लेंथ, व्हाट इज वेलोसिटी? लेंथ अपॉन टाइम। अब इसका भी रियल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये तो रोज ही एक्सपीरियंस होता है। आई वॉज गोइंग समवेयर विद अ स्पीड ऑफ लेट अस से 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मुझे पता है कि स्पीड लिमिट सिटी के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर है, मुझे फॉलो करना। मेरे पीछे से कोई आया, उसको बहुत ज्यादा घड़ी थी, उसके पास धूम की बाइक भी थी, एंड ही इज गोइंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। अब
ये दोनों वेक्टर पहले तो बताओ कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, लेकिन कौन सा, स्पीड नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या था सेम, लेकिन स्पीड क्या है अलग अलग है। तो स्पीड अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी, करेक्ट राइट। तो दैट इज व्हाई आई विल यूज दिस वर्ड द लेंथ, the length of directed line segment, the length of directed line segment gives, क्या देता है, magnitude, gives magnitude of a vector, gives magnitude of a vector, and arrowhead, arrowhead gives direction, and arrowhead gives direction of a vector. अब इसका भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये तो समझ में आ गया, ये दो वेक्टर आपको क्या बताते हैं, डायरेक्शन सेम लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है हमारे पास दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों के दो गाड़ी थे, दोनों के दोनों गाड़ी का स्पीड कितना है सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है अलग अलग, रिजल्ट तो पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही अलग है, डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है, तो इसका मतलब ये गाड़ी स्लो जा रहा है, ये गाड़ी फास्ट जा रहा है, ये गाड़ी ईस्ट में जा रहा है, ये गाड़ी साउथ ईस्ट में जा रहा है, करेक्ट, गुड, क्लियर। तो इज दिस क्लियर, आइडिया शुड बी कि आपके बेसिक्स पहले पक्के करो, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बाकी सब इजी है। तो वेक्टर के पास दो चीज थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हमको वेक्टर को डिनोट करना था, रिप्रेजेंट करना था, तो कैसे किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन लाइन तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया एरो, एरो क्या बता रहा है डायरेक्शन, मतलब दोनों मिल गए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहां तक क्लियर। अब वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं, उसको बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर, क्या बोलते हैं टेल, और जहां खत्म होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज नोन एज टेल ऑफ अ वेक्टर, whereas the end point of a vector, whereas the end point is known as head of a vector, correct, right। therefore अगर मुझे suppose एक vector को represent करना है symbolically, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार हमको जरूरी नहीं है कि हमको हर बार सेगमेंट दिखाना ही पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना था पी से क्यू ये डिस्प्लेसमेंट है 100 किलोमीटर, अब मैं 100 किलोमीटर की लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकता, करेक्ट, लेकिन क्या बताना है पी से क्यू, तो मैं क्या बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू बार, पी क्यू बार कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर, तो पी क्यू बार हैज मैग्नीट्यूड 100, तो जहां पे हम मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है, 100 किलोमीटर कहाँ ड्रॉ करेंगे हम, राइट। तो जहां पे मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है तो हम वहां पे लिख देते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना 100, लेकिन बताना तो था ना कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, तो जब मैं पी क्यू बार लिख रहा हूँ पी कौन है टेल, क्यू कौन है हेड, वेरी गुड वेरी गुड। तो अ वेक्टर कैन बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय, अ वेक्टर कैन बी सिंबॉलिकली represented by PQ bar
where p is tail and q is head. P is tail and q is head. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये स्पेसिफाई करना, ये बताना जरूरी ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म. हमको सिर्फ इतना बताना ये वेक्टर है, बस खत्म. कहाँ से स्टार्ट हुआ, टेल कौन सा, हेड कौन सा, कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ बताना ये इम्पोर्टेंट है कि कौन है ये वेक्टर, राइट. तो इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एज. अब एक काम करेंगे, ये नोटेशन क्यों यूज किया था मैंने, डायरेक्शन मतलब हमको डायरेक्शन बताना था पी से क्यू, मतलब ये बताना था पी कौन है टेल, क्यू कौन है हेड. स्टार्ट का हुआ वेक्टर, खत्म का हुआ. लेकिन अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम एक सिंगल लेटर यूज कर देंगे, बोलेंगे एक्स, लेकिन एक्स तो स्केलर है. फिर ऊपर क्या लिखेंगे, बार, तो क्या बन जाएगा, एक्स बार. तो जहां पे आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट स्पेसिफाई करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वहां पे एक सिंगल अल्फाबेट यूज करना, उसके ऊपर बार. और अभी तक हमने यहाँ पे एक भी स्मॉल लेटर यूज नहीं किया. ये कि मैंने स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल एक्स लिखा गया, मैं सब कैपिटल यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन है. तो स्मॉल को फिलहाल रिजर्व रखो. तो फिजिक्स में हर एक लेटर एक पर्टिकुलर चीज के लिए रिजर्व है. फॉर एग्जाम्पल, फोर्स के लिए कैपिटल एफ, स्मॉल एम स्टैंड फॉर मास, स्मॉल ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी या फिर स्पीड, स्मॉल एक्स स्टैंड फॉर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट. स्मॉल एन मतलब फ्रिक्वेंसी. तो याद रखना, यहाँ पे अभी तक हम कैपिटल ही यूज कर रहे हैं, स्मॉल लाएंगे बाद में. क्लियर यहाँ तक? अब मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि हमको वेक्टर का डायरेक्शन ही नहीं बताना, हमको सिर्फ बताना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मैंने अभी भी बताया, आई एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इन ईच डायरेक्शन, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से एक सिटी गए, कहीं तो गए, सम सिटी, कोई नया सिटी ले लेंगे, पुणे, वो साउथ में है, करेक्ट, राइट. आप यहाँ से निकले, दोस्त को फोन कर दिया कि मैं निकल रहा हूँ, फिर वहां पहुंच गए, फिर उसने पूछा भाई कितने स्पीड से आए, तो फिर आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सपोज 350 किलोमीटर है यहाँ से, राइट, 350 किलोमीटर. फॉर एग्जाम्पल, यू टुक 5 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 350/5 है ना, कितना स्पीड हो गया, 70 किलोमीटर पर आवर, बराबर, राइट. वो तो बाय डिफॉल्ट उसको पता ही था ना कि ये यहाँ से निकला है, साउथ में आ रहा है, मतलब उसको डायरेक्शन पता था. तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन नॉट इन नोइंग वॉट इज द डायरेक्शन, उसको पता है साउथ में ही आना है, नॉर्थ में गया तो गुजरात पहुंच गया है, करेक्ट. तो मेनी टाइम्स आपको वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बताना होता, क्या बताना होता है, मैग्नीट्यूड. तो उसके लिए भी एक हमने नोटेशन फिक्स करके रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एक्स बार, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एक्स बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. ये जो एक्स बार है इसको मॉड में लिख दो. अगर आप इसको मॉड में लिख दो, मतलब हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली मैग्नीट्यूड. या फिर एक काम करो, या फिर बार लिखो ही मत, सिर्फ क्या लिखो, एक्स. क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया स्केलर के पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर को कैसे डिनोट किया था, एक्स. वेक्टर के पास क्या था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ये बार क्यों लिखा था, कि डायरेक्शन भी है बताने के लिए, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड इज स्केलर एंड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज वेक्टर. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, स्केलर प्लस डायरेक्शन इज अ वेक्टर. व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये कौन है, ये कौन है, वेक्टर, करेक्ट. लेकिन मैग्नीट्यूड मतलब कौन है, स्केलर. तो व्हाट इज वेक्टर, स्केलर प्लस डायरेक्शन.
तो जब मुझे एक वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो मुझे बताना क्या है, स्केलर, डायरेक्शन नहीं बताना है तो कौन बताना है, स्केलर। इस स्केलर को डिनोट कैसे करते हो, सिर्फ एक्स लिखते हो, उसके ऊपर कुछ लिखते हो क्या और? हाँ, तो ये जनरल नोटेशन है। मुझे अगर एक वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होगा तो मैं या तो वेक्टर को मॉड के अंदर लिखूंगा या तो मैं वेक्टर के ऊपर का बार हटा दूंगा, राइट, क्लियर है तक? तो तीन नोटेशन थे, एक था एक्स के ऊपर एरो हेड डालना, एक था एक्स के ऊपर हाइफन डालना मतलब बार, और एक था इसी एक्स को बोल्ड में लिखना। कैसे लिखोगे इसको? बोल्ड में। मुझे अगर वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड में लिखूंगा, या फिर मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं उसके ऊपर, मैं सिर्फ लिख दूंगा एक्स, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको अज्यूम करना है कि अगर वेक्टर मॉड के अंदर लिखा है या वेक्टर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर की। क्लियर है यहाँ पर? गुड। तो डू यू रिमेम्बर हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिव्स मैग्नीट्यूड, द एरो गिव्स डायरेक्शन, करेक्ट। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेक्टर भी होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पहला नंबर इसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, अब इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी आप सब लोग या तो गाड़ी पे आए होंगे या साइकिल पे आए होंगे। अभी आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है, खड़ी है मतलब एट रेस्ट है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ योर व्हीकल? जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ योर व्हीकल इज जीरो, करेक्ट। लेकिन जैसे ही चालू करोगे तो एक डायरेक्शन में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉकेट है, मैंने रख दिया, अभी तक लॉन्च नहीं किया, व्हाट इज वेलोसिटी? लेकिन डायरेक्शन तो है, जैसे ही चालू होगा कहाँ जाएगा? तो अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड बट अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उसको बोलते हो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is zero, but it has a particular, मतलब certain direction. A vector having zero magnitude but a certain direction is known as zero vector. लेकिन जीरो मतलब नल, सुना होगा बहुत बार आपने इंग्लिश में जीरो के लिए और एक नाम है नल, नल मतलब नथिंग, मतलब जीरो। तो अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वर्ड्स चेंज किए, लेकिन नोट्स में ऐसा लिखा होगा अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, क्या बताया? योर व्हीकल एट रेस्ट, व्हाट इज वेलोसिटी? जीरो। अब मैं व्हीकल नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर दूंगा, क्योंकि व्हीकल एक पर्टिकुलर केस हो गया। व्हीकल भी हो सकता था, एक बॉल भी हो सकता था जो रेस्ट पे है, एक रॉकेट भी हो सकता था जो रेस्ट पे है, करेक्ट। यू कैन हैव मेनी थिंग्स, ट्रेन है जो रेस्ट पे है, करेक्ट। तो इन जनरल बोलेंगे ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। व्हाट डू मीन बाय रेस्ट? स्पीड इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज वेलोसिटी वेक्टर एज नल वेक्टर या फिर एज जीरो वेक्टर। Therefore, denote करते वक्त क्या बोलते हैं हम लोग? Velocity bar, v bar, कितना velocity? Zero. तो zero bar.
तो जीरो के ऊपर बार मतलब कौन सा वेक्टर है? नल वेक्टर। नंबर टू, अब बहुत लोगों को स्टंट करने का बहुत शौक होता है, आप मत करना। वो क्या करते हैं, गाड़ी के एक्सीलेटर को लॉक कर देते हैं। एक्सीलेटर को लॉक करना मतलब वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी क्या सेम, सेम मतलब क्या कांस्टेंट। डू यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हर सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज होता है उसको क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। बराबर, करेक्ट। तो जैसे अभी आप गाड़ी चालू करोगे, आप एक्सीलेटर को घुमाओगे, एक्सीलेटर को घुमाना मतलब क्या करना, वेलोसिटी को चेंज करना। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, जिसका मैंने वेलोसिटी लॉक कर दिया, वेलोसिटी लॉक कर दिया मतलब वेलोसिटी इज फिक्स। तो एक्सीलरेशन कितना है, जीरो, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज जीरो वेक्टर। तो पहले तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कौन सा वेक्टर जीरो वेक्टर है, वेलोसिटी। तो कौन सा वेक्टर जीरो वेक्टर है, वेलोसिटी, करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज वेलोसिटी वेक्टर एज जीरो वेक्टर, एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ व्हाट, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हैज एक्सेलरेशन एज एज जीरो वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। यहां तक क्लियर, गुड, पक्का। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन है। दूसरा टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर में। सबसे ज्यादा कुछ वर्ड यूज होगा तो वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। अब मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये ज्यादा आपके साथ ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, राइट। क्यों, फॉर एग्जाम्पल ये था आपका घर, ये है क्लास, राइट। हमको जाना है घर से क्लास पे, वेरी गुड। लेकिन आदत क्या है, बहुत बुरी आदत है, घर से निकले एक जगह पे गए, हो सकता है दोस्त का घर हो, फ्रेंड्स हाउस, राइट। फिर वहां से निकले फिर दूसरी जगह पे गए, हाँ मैं भी पेट्रोल पंप, राइट, जबकि पेट्रोल था फिर भी गए पेट्रोल पंप पे। फिर वहां से निकले कहाँ पे गए, क्लास पे, राइट। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ पहुंचे, होम टू क्लास। मतलब ये कितने वेक्टर है, तीन वेक्टर। मैं इन तीनों वेक्टर को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बना सकता था, और वो सिंगल वेक्टर का जो रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट है वो है सेम, सेम एज दैट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। देखो रिजल्ट वेक्टर डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम दिया, एफ से गए एफ पे, एफ से गए पी पे, पी से गए सी पे, अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो इसका मतलब मैं तीन वेक्टर दिखाने की जगह पे मैं सिंगल ही वेक्टर दिखा देता तो हो सकता था मेरा काम, राइट। आई कुड हैव शोन ओनली ओनली वन वेक्टर, राइट। तो ये जो वन वेक्टर है इसको क्या बोलते हो, रिजल्टेंट, करेक्ट। तो रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन कैसे करोगे, मैं कल वापस से बताऊंगा डिटेल, लेकिन आज समझ लो, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, क्योंकि ये रिजल्टेंट है। फाइनली कहां से कहां पहुंचे, एच से सी, करेक्ट। जाना कहां था, घर, घर से कहां जाना था, क्लास पे। कहां गए, दोस्तों, फिर दोस्तों ने कहा चल वहां भी जाके आते हैं, फिर वहां से कहां गए, क्लास, जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर अटेंडेंस नहीं मार्क होगा, जाना पड़ेगा, चल अभी जाके आते हैं वहां, करेक्ट, गुड। तो एंड रिजल्ट इज फ्रॉम होम टू क्लास, इसका मतलब मैं तीन वेक्टर को हटा के एक सिंगल दिखाता तो भी काम चलता। तो डिफाइन कैसे करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, सिंगल है ना ये, विच हैज द सेम इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। इन तीनों को मिला के जो रिजल्ट आना है
वही सिंगल से आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, ये दिमाग में फिट कर लो। कुछ कुछ वर्ड्स दे विल रियली मैटर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच हैज सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। सब ने मिलके जो काम किया वो एक ही ने कर दिया। एच से एफ पे गए, एफ से पी पे गए, पी से सी पे गए, तो तीन वेक्टर लग गए। लेकिन मैं एक ही वेक्टर दिखाता तो वो डायरेक्टली एच से कहाँ लेके आता, सी पे। अब ये रियल लाइफ में और भी जगह पे काम में आता है। सेम सिचुएशन, सपोज मैं इस सिटी में न्यू हूँ, मुझे पता नहीं कि रास्ता क्या है। सपोज मुझे जाना है कहीं पे, लेट अस से मुझे जहीन कॉलेज जाना है। मैं घर से निकला, किसी से पूछा, अरे मुझे जहीन कॉलेज जाना है, वो बोला यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ से लेफ्ट ले लो, आगे और एक बार लेफ्ट लेना, किसी से पूछ लेना। तो मैं जाके आगे आगे पूछा, मुझे जहीन कॉलेज जाना है, वो बोला लेफ्ट ले लो। रास्ता पता होता और वहाँ पे रास्ता होता, इम्पोर्टेंट, रास्ता होता और पता होता तो मैं क्या करता, सीधा आता। सीधा कहाँ से कहाँ आता, H2C, करेक्ट, गुड। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज सिंगल वेक्टर। अब थोड़ा सा मैं और चेंज करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। पहले मैंने नंबर नहीं बताया था, अभी नंबर बता रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर कितने वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, दो या दो से ज्यादा। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर विच हैज द सेम इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। गुड, तो कल हम इसको और डिटेल में देखेंगे। वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट।